नमः शिवाय। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार चतुर्थी तिथि दिन में 2:50 तक लगी रहेगी। तत्पश्चात पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी राहु हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, लोकप्रिय, सफल व्यापारी, मधुरभाषी, देवताओं और ब्राह्मणों का आदर करने वाले और राजा के समान वैभवशाली होते हैं। ऐसे जातक संवेदनशील, दयालु, न्यायप्रिय, स्पष्टवादी मगर रुक रुक कर बोलने वाले, पूर्वानुमान लगाने में कुशल, तीव्र स्मरण शक्ति वाले, तुलनात्मक तर्क करने की शक्ति से युक्त, दोहरे व्यवसाय में कुशल और उच्च अभिलाषी भी होते हैं। ऐसे जातक अपनी बातों पर हठपूर्वक अड़े रहने वाले और शरीर में चोट लगने की संभावना बनी रहती है। यदि सहयोगी लग्न रहा शुक्र और राहु की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज भी शुक्र और बृहस्पति के साथ तुला राशि में चलते रहेंगे, मगर नक्षत्र राहु का कायम रहेगा, जिससे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी। याददाश्त में कमी, सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा बना रहेगा। बिना मतलब वाद विवाद और प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की प्रवृत्ति और दोषारोपण की संभावना का संकेत मिलता है। हालांकि अधिकारियों का सहयोग और आय संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी, मगर सावधानी अपेक्षित है। मेष राशि के जातक ऊर्जावान महसूस करेंगे, हर काम आसानी से संपन्न होंगे, मगर भ्रमात्मक स्थिति कायम रहेगी और साझेदारी के कामों में सावधानी अपेक्षित है। निजी सुख संतुष्टि में कमी, मां के स्वास्थ्य की चिंता, जमीन जायदाद संबंधी विवाद और दोषारोपण इत्यादि की संभावना भी बनती है, सावधानी अपेक्षित है। हालांकि आपकी कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, विवाह संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी, साझेदारी प्रभावित रहेगी, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी, प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सचेत रहना चाहिए। बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा तीनों छठवें भाव में चल रहे हैं। नकारात्मक विचार संभावित है और मन अनावश्यक रूप से भयग्रस्त रहेगा। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी, निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे, पारिवारिक सुख संतुष्टि में वृद्धि होगी, निजी निवेश में शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा, अभीष्ट मित्रों से मुलाकात होगी, सरकारी कामकाज पूरे होंगे और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। संतान संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। अध्ययन अध्यापन के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, सफलता के लिए प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नए अनुभव प्राप्त होंगे, रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी, आदरणीय व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति पांचवें घर में नए आयाम स्थापित करेगी और नई कार्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा का संचार और उचित दिशा निर्देश मिलता रहेगा, मगर कुछ कामों में भ्रमात्मक स्थिति भी बनी रहेगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, आर्थिक मामलों में सोच समझ कर उचित निर्णय लेना चाहिए, जोखिम वाले आर्थिक निर्णय आज के लिए स्थगित कर दें, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र की अतिरिक्त जिम्मेदारी बनी रहेगी, आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा स्तर दोनों हर काम संपन्न करने के लिए सक्षम होंगे, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, रुके हुए काम संपन्न होंगे, बड़े कामों में निवेश का योग बना हुआ है, मगर अधिक जोखिम वाले महत्वपूर्ण निर्णय आज के लिए टाल दें, वैचारिक तालमेल और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें, साथ ही साथ सामान गायब होने या चोरी होने का अंदेशा भी बनता है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी और किसी समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। सिंह राशि के राष्ट्र स्वामी सूर्य आपकी राशि पर ही आ चुके हैं, स्वास्थ्य संबंधी अनुकूलता मिलेगी, सकारात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा और कार्य क्षेत्र के विकास की मानसिकता बनी रहेगी। आपके मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य क्षेत्र के विस्तार में मदद मिलेगी, लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे, विभागीय अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा, व्यावसायिक और आर्थिक मामलों में मन मुताबिक लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन संघर्ष वाला होगा, निजी रिश्ते प्रगाढ़ होंगे, मगर कुछ मामलों में अनावश्यक वाद विवाद, दोषारोपण, विरोधियों से सावधानी और नकारात्मक विचारों वाले व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। कन्या राशि के जातकों के वाणी में तेजस्विता और प्रभावशाली ढंग से पेश करने की रचनात्मक पहल विकसित होगी, आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार व आत्मविश्वास में वृद्धि होगी,
सकारात्मक पहल सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में मदद करेंगे। सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे। साझेदारी व मित्रजनों से लाभ संभव है। नई व्यावसायिक योजनाओं के प्रयास सार्थक होंगे और शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी। प्रयास जारी रखें मगर अधिक आर्थिक जोखिम वाले निर्णय लेने से बचें और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। साथ ही विरोधियों की साजिश से सावधानी अपेक्षित है। तुला राशि वाले जातकों की रचनात्मक सक्रियता विकसित होगी। आर्थिक लाभ, अतिरिक्त जिम्मेदारी और सामाजिक मान प्रतिष्ठा पूरे दिन बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रेरणा मिलती रहेगी। नई कार्य योजनाओं में शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी मगर कार्य क्षेत्र के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए। पुरानी समस्याओं की पुनरावृत्ति संभावित है। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल है और सामाजिक समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छे कामों में खर्च, निजी निवेश और व्यावसायिक उन्नति के लिए सहयोग करेगा। कार्य योजनाएं सुचारू ढंग से चलती रहेंगी। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और संतान संबंधी मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है मगर कार्य क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता और सरकारी सहयोग भी संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य है। शिक्षा प्रतियोगिता में सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी और निजी संबंध बिगाड़ होंगे। साथ ही यात्रा के दौरान अपने सामान के प्रति सचेत रहें, चोरी होने या खोने का अंदेशा बनता है। धनु राशि के जातकों के रुके हुए काम पूरे होंगे। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में सकारात्मक उत्साह जारी रहेगा और रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी। ऊर्जा स्तर में वृद्धि होगी और प्रतियोगी भावना विकसित होगी। आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा और साझेदारी सफल रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा और वैवाहिक मामले सफल रहेंगे मगर आर्थिक लेन देन के साथ ही साथ व्यावसायिक लाभ संबंधी सावधानी, अनावश्यक वाद विवाद, वाणी में उतावलापन और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं भी संभावित हैं। मकर राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां रखनी चाहिए। आज का दिन कार्य योजनाओं के विकास और सुधार के साथ साथ अधिकारियों के दिशा निर्देश और सहयोगियों के साथ बीतेगा। कार्य क्षेत्र का नेतृत्व सफलतापूर्वक ढंग से करेंगे। नई व्यावसायिक योजनाएं फलीभूत होंगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता जाएगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। अध्ययन अध्यापन के लिए समय अनुकूल रहेगा। माहौल को अपने अनुरूप करने में सफल रहेंगे मगर संतान संबंधी चिंता, पारिवारिक सुख सौहार्द में कमी, निजी रिश्तों में गलतफहमी, साझेदारी में वाद विवाद संभावित है। साथ ही वाहन सावधानी से चलाएं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र के लिए भाग्यशाली रहेगा। कोई बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है। नई कार्य योजनाओं में मदद मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। अपनी योजनाओं में सुधार का मौका मिलेगा। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आर्थिक मामलों में अनावश्यक वाद विवाद संभावित है मगर विरोधी परास्त रहेंगे और आत्मविश्वास में कमी, सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप और विवाद की संभावना भी बनती है। हालांकि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। संतान संबंधी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। भावनात्मक लगाव बना रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अधिक परिश्रम और भाग दौड़ वाला बना रहेगा। चंद्रमा राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। कार्य क्षेत्र में मेहनत की प्रवृत्ति जारी रहेगी। छोटी यात्रा भी संभावित है मगर मन मुताबिक आर्थिक लाभ में कमी महसूस होगी। शुक्र चंद्रमा व बृहस्पति के आठवें भाव में चलने की वजह से मन में नकारात्मक भाव, उत्साहहीनता की स्थिति और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उतार चढ़ाव संभावित है। आर्थिक सहयोग मिलता रहेगा मगर अधिक जोखिम वाले आर्थिक निर्णय लेने में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी मामलों में सावधानी रखनी चाहिए और वाहन सावधानी से चलाएं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।